हेलो गाइस, आज क्लास 9th में जो हमारी हिंदी की बुक है उसका काव्य खंड का जो चैप्टर है फर्स्ट, कबीर, कबीर जी हैं उनके शब्द आज हम करेंगे और कबीर जी के जानेंगे बारे में कि कबीर जी कौन थे, कहाँ से थे, जन्म कहाँ हुआ, ये सब। अब कबीर जी का जन्म 1398 काशी में माना जाता है और उनकी मृत्यु 1518 के आसपास मानी जाती है, जो कि कहाँ हुई थी, मगहर में। अब काशी और मगहर के बीच में एक रहस्य है, मैं वो आपको पहले बताती हूँ। कहा जाता था उस समय में जो इसका जन्म काशी में होता है और मृत्यु हो जाती है काशी में, जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो स्वर्ग में जाता है और जिसकी मृत्यु मगहर में हो जाती है वो सीधा कहाँ जाता है, नरक में जाता है। अब इन सब पुरानी बातों से, अंधविश्वासों से, आडंबरों से कबीर जी छुटना चाहते थे। जब उनके अंतिम क्षण आए, उनके पास में मृत्यु उनके नज़दीक आ गई, समीप आ गई, तब उन्होंने क्या किया, मगहर में जाके रहने लग गए और आखिर में मगहर में ही उनका देहांत हो गया। अब कहा जाता है ये निर्गुण संत थे, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के संत माने जाते हैं और इनकी रचनाएं जो प्रमुख होती है वो सबसे मेन कबीर ग्रंथावली है, जिसमें काफ़ी संग्रह है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब भी है, बीजक है उनकी रचनाओं का संग्रह, बीजक भी है। और कबीर कैसे थे, कबीर ने क्या है, अत्यंत मतलब कहा जाए तो उदार व्यक्ति थे, निर्भयी व्यक्ति थे और सदग्रस्त संत थे, सदग्रस्त संत थे। और राम और रहीम को, दोनों को ही क्या है, समान महत्व देते थे, दोनों को समान मानते थे, एक समान मानते थे, दोनों में कोई भी अंतर नहीं करते थे। और कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले जो पाखंड है, भेदभाव है, और उनके जो नाम पर क्या किया जाता, आपस में कर्मकांड किए जाते हैं, उन सभी बातों का इन्होंने विरोध किया कि समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सभी क्या है, भाई भाई है, किसी में कोई भी अंतर नहीं है। इन्होंने ईश्वर, प्रेम, विराग, सत्संग, गुरु भक्ति, साधुओं की महिमा, सभी का क्या है, अपने काव्यों में छाप छोड़ गया। कबीर जी की भाषा सहजता की भाषा है, जन भाषा भी कह सकते हैं इनकी भाषा को, क्योंकि जनता के काफ़ी संपर्क में रहे, तो इन्होंने क्या है भाई, जनता के बारे में जाना, उनकी भाषाओं को जाना, उनके विचारों को जाना और उन सभी चीज़ों को क्या है भाई बताया। अब आगे देखिए कबीर जी के क्या हैं शब्द हैं, कबीर जी के क्या हैं शब्द हैं, कबीर जी के शब्द और साखियाँ दो चीज़ें हैं। पहले आज साखियाँ करेंगे, शब्द हम बाद में करेंगे। कबीर जी के जैसे कि रहीम के दोहे होते हैं, रस खान के सवैये होते हैं, ठीक है, ललन के वाक हैं, इसी प्रकार से कबीर जी ने शब्द और साखियाँ दिए हैं। उनमें से सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर सामने है, आप देख सकते हैं, मानसरोवर सुबर जल हंसा के ली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाई। यानी कि रहीम जी जिस प्रकार से अपने दोहों में बात कहते हैं, उसी प्रकार से कबीर जी अपने दो साखियों में कहते हैं, साखियों में बोलते हैं कि जो भगवान है, हरि है, ठीक है, मानसरोवर क्या होता है, और शून्य शिखर अमृत कुंड भरा हुआ एक तरह से, उसमें वो बताते हैं कि जब भगवान से यदि किसी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, ठीक है, तो यदि क्या हो, कोई भी कुंड हो या अमृत से भरा हो, कोई भी क्रीड़ा कर रहा हो, तो उसका मन भी क्या है, उसी ईश्वर प्रेम में भर जाएगा। यानी कि किसी के मन में भगवान के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है और ऐसी संगति में वो रहता है जहाँ पे क्या है वो सब वातावरण है, तो उसको देखते उसके मन में भी उसके प्रति लालसा आ जाएगी। मुक्ता फुल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। और वह कहते हैं जब उस अमृत कुंड में जाकर आनंद रूपी जो क्या है, उन मोतियों को क्या है वो छूकर अपने जीवन में लाता है, तो उसका जीवन बहुत अच्छा होता है। और मुक्ता फल होता है मोती, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला जब वो मोती होता है, यानी कि जीव को क्या है, आनंद को छोड़कर क्या करना चाहिए, अनंत यानी कि बिना किसी मोह माया के, ठीक है, सभी वस्तुओं को त्याग कर क्या है भगवान में सांसारिक विषयों को जानने में लगना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना भला चाहिए। आगे सेकंड में देखते हैं, सेकंड साख्या क्या है,
प्रेमी ढूंढत में फिर वो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। और वो कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति है जो किसी को एक दूसरे को प्रिय है और वो यदि ढूंढना चाहे, ठीक है, और उसको ढूंढता फिरता और यदि वो मिल जाता है तो इस संसार में उससे अधिक कोई भी क्या है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसका प्रियजन नहीं है। और वो कहते हैं इसी प्रकार से जब क्या है दो प्रेमियों का परस्पर मिलन होता है तो क्या है कोई भी भेदभाव क्या है नहीं रखते आपस में, सभी भेदभावों को भुला कर क्या है यानी कि उनके पास क्या हो जाता है यानी कि उस अमृत में डूब जाते हैं, कुंड में मान लो वो किसी भी क्या है वस्तु को नहीं दिखते। थर्ड वाला देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमारी। स्वान होता है, स्वान होता है हमारा कुत्ता, कुत्ते को स्वान बोलते हैं, यानी कि कहते हैं कबीर जी कहते हैं जब हस्ती चढ़िए ज्ञान को यानी कि किसी भी क्या है व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति हो या साधु हो, वो कहते हैं तब तक वो अच्छा है, अपने ज्ञान को जब वो बांटेगा तभी अच्छा, और यदि अपने ज्ञान को वो ऊपरी स्तर पर ले जाके और अपने में मगर रहेगा, उसको बांटेगा नहीं, तो वो क्या है कुछ भी नहीं कर सकता। और वो कहते हैं यदि ज्ञान प्राप्त करने की हम लालसा रखें सहज दुल्हे चढ़ारी, तो एक छोटा सा कालीन बिछा कर क्या है यदि उस पर भी हम क्या है ज्ञान प्राप्त करें या देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। और ज्ञान को क्या है अहम भाव के बिना क्या है हम प्रदान कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कहते हैं स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमारे। और वो कहते हैं संसार तो क्या है, यह संसार कैसा है कुत्ते की तरह जो भोग भोग कर अपना समय व्यर्थ करता रहता है, बिताता रहता है। और ऐसे ही कोई भी व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तरक्की करता है तो संसार उस पर कुत्ते की तरह क्या है व्यंग्य करता है, भोगता है। और वो कहते हैं कि संसार लोग क्या है संसारिक सुखों को पाने में इतने व्यर्थ हैं, इतने बिजी हैं, इतना समय गंवाते हैं कि सच्चे जो व्यक्ति हैं साधक है उसके बारे में वो नहीं सच्चे। और सच्चा साधक वो कहते हैं समाज में वही है जो अहंकार से क्या है हटकर क्या है ईश्वर में क्या है मगन रहे, ईश्वर के बारे में सोचे। नेक्स्ट है पंखा पंखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपंख होई के हरी भजे सोई संत सुजान। और कबीर जी आगे कहते हैं संसार में क्या है लोग संसार में भगवान के प्रति अच्छा भी सोचते हैं बुरा भी सोचते हैं, पक्ष के बारे में सोचते हैं विपक्ष के बारे में भी रहकर क्या है सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं। और सच्चा साधक वही है जो बिना किसी मंत्र मंत्रों के प्रति क्या है निष्पक्ष रूप से हमेशा भगवान में क्या है भगवान को बिना किसी भोग विलास के बिना किसी अपने कार्य को सोचते हुए तत्पर रहकर उसकी क्या है आराधना करें। और जो व्यक्ति निरपक्ष भाव से यानी कि वो ये नहीं सोच रहा मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, नहीं, इस पक्ष को छोड़कर जब वो भगवान में लीन रहता है उसको याद करता है वही सच्चा इस संसार में संत है, सुजान माने सुजान होता है सज्जन, वही सच्चा सज्जन व्यक्ति है वही सच्चा संत है इस संसार में जब वो क्या है बिना किसी भी पक्ष के क्या करे संसार में कार्य करे, संसार में भेदभाव ना करे और आसानी से क्या है भगवान को वही पा सकता है जो ये सोचकर उसकी पूरा पूजा आराधना न करे कि मुझे ये चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दूह के निकट न रहे। अब क्या कहते हैं हिंदू यानी कि हिंदू और मुसलमान माने मुसलमान, कबीर जी कहते हैं व्यक्ति कहते हैं हिंदू धर्म तो हमारा हिंदू है उसमें कोई क्या है राम राम जपता है, मुसलमान होते हैं वो खुदा को मानते हैं, तो ये हमारे जन्म के कारण है, यदि हमारा क्या है किसी हिंदू परिवार में जन्म हो गया तो हम राम को मानते हैं, मुसलमान में हो गया तो हम खुदा को जानते हैं, और इन्हीं मोह माया में बंधन में चक्रों में हम फंसे हुए हैं उनसे बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम इन चक्रों से बाहर नहीं निकलेंगे नहीं आएंगे तब तक हम इस संसार में आगे नहीं बढ़ सकते। और कहते हैं वास्तविक जीवन वही है जो राम को भी और खुदा को भी दोनों को क्या है बिना किसी दुविधा के माने, दोनों में भेदभाव ना करे द्वैत भाव ना रखे और वही सुविधा में रहेगा वही अच्छा व्यक्ति होगा जो संसार में बिना किसी सार्थकता के बिना किसी भेदभाव को अपनी बुद्धि के आधार पर तत्पर रख कर क्या है इस संसार में रहेगा।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। काबा फ्री काशी बया राम ही बया रही मोट चून मैदा बया बेटी कबीरा जी। अब कबीर जी कहते हैं कि सभी समाज में क्या होता है, संप्रदाय होते हैं अलग अलग, जैसे हिंदू मुसलमान थे, इसी प्रकार से क्या है, जो हिंदू क्या है कहाँ जाते हैं, राम की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, और वो क्या है काशी के में जाते हैं, काबा में जाते हैं मुसलमान जैसे, तो वो कह रहे हैं जो संप्रदायों में क्या है, जो सभी के बीच में दिया गया है कि भाई हम इस संप्रदाय से जुड़े हैं, तो उन सभी चीज़ों को काबा काशी क्या है एक हो सकते हैं, यदि क्या मध्यम मार्ग चुने, यानी कि दोनों का मध्यस्थ मार्ग क्या है, दोनों एक हो। तो वो कहते हैं राम वो रहीम बन जाएगा और रहीम वो राम बन जाएगा, और जो काबा है वो कैलाश बन जाएगा और कैलाश है वो काबा बन जाएगा, और इन रूढ़ियों को, इन सारी जो पुरानी प्रथाएं उनको छोड़ के हम समाप्त करके आगे अपने संप्रदाय को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही वो कह रहा है मोट चून मैदा भया बेटी कबीरा जी, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, यदि मोटा आटा अभेद के महीन मैदा बन जाता है, यानी कि यदि उसमें भेद ना किया जाए, यदि कोई भूखा व्यक्ति है उसके मोटे आटे का उसको क्या है कुछ खाने के लिए रोटी देते हैं, तो उसमें भेद नहीं कर पाता क्योंकि उसकी को लालसा है, भूख है, लेकिन जिसको क्या है लालसा ना हो, भूख ना हो, और जिसको क्या है ज़रूरत ना हो, यदि उसको महीन मैदा भी क्या है दें खाने के लिए, तो उसके लिए वो वेस्ट है। और कबीर जी कहते हैं सच्चा साधक वही है जो इन सभी चीज़ों में, मोह माया में, बंदरों में, कि भाई मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ या मुझे अपना सुख चाहिए, ठीक है, इन सबसे ऊँचे विचार हों जिसके वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, ऊँचे कुल का जन्मिया जो करनी उच्च ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यानी कि क्या कह रहा आगे, आगे कह रहा है यदि क्या किसी व्यक्ति का ऊँचे कुल में जन्म ले लेता है, ठीक है, यदि किसी बच्चे का ऊँचे कुल में जन्म हो जाता है तो क्या वो ऊँचा हो सकता है, जो करनी उचना हो, यदि वो कर्म अच्छा नहीं करेगा तो क्या वो ऊँचा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, वो निंदा का पात्र होगा, यानी कि उसकी क्या निंदा करेगा समाज, यानी कि कहा जाता है यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तभी हम हमारा क्या है आगे भविष्य है। ऐसे ही वो कह रहे हैं सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, और जैसे सोने के भड़े घड़े में यदि शराब डाल दी जाए, ठीक है, शराब डाल दी जाए तो सज्जन क्या है उसको धिकारेंगे, निंदनीय है उनके लिए, अच्छी वस्तु नहीं है, यानी कि क्या है यदि उसको मटकी में भी क्या है अच्छा पानी पीने को दे दे वो उसके लिए त्याज्य है। यानी कि कहा जाए तो शारीरिक रूप से हमें क्या है अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, उच्च कुल में जन्म लेने से ये ऐसा नहीं कि हमारा कर्म सुधर जाएगा, ये कर्म हमारा क्या है खुद का होता है, हम सुधारेंगे तभी होगा। और सज्जन व्यक्ति वही होता है जो मोह माया को, हर भोग विलास को, वस्तुओं को त्याग कर क्या है सिर्फ राम में क्या है मगन रहे, वही क्या है सच्चा साधु है और सच्चा सेवक है या जन है। ठीक है जी, आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, आने वाली कक्षाओं में मैं आपको शब्द भी कबीर के, बाकी जो भी हमारे ललन के जैसे वाक हैं वो सब हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक यू सो मच।